आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा जुड़ा है एक स्पेस मिशन से, जिसकी शुरुआत आज हुई थी, और इस मिशन से एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्हें भारत का लोहा मनवाया, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें याद किया जाता है। कौन है वो शख्सियत, आइए जानते हैं उस शख्सियत को और उनके इतिहास के बारे में। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी से बहुत से मोती निकले हैं, वो मोती जिनकी कोई कीमत नहीं, जो अमूल्य हैं, और उन्हीं मोती में से एक थी कल्पना चावला, एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज भी जब भी ये नाम जहन में आता है तो गर्व होता है खुद की महिला होने पर। कल्पना चावला के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो ये बताता है कि कुछ भी मुश्किलें हों लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक साहसिक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर आज भी उन्हें याद किया जाता है। उनका जीवन जहां चाह वहां राह के सिद्धांत को सच करता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला है उनका जीवन। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज की इस तारीख का देश की महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला से भला क्या संबंध है, तो चलिए आपकी तमाम दुविधाओं का निपटारा किया जाए। दरअसल आज का दिन इस महान यात्री को समर्पित किया गया है। आज ही के दिन साल 2003 को स्पेस यान एसटीएस 107 ने 28वीं उड़ान भरी थी। इस यान में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित 7 और अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। 1 फरवरी 2003 को 16 दिनों का मिशन पूरा करके यान जैसे ही धरती की ओर लौट रहा था, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें यान में मौजूद सभी यात्री उस वक्त मारे गए और भारत ने कल्पना चावला रूपी मोती को खो दिया, जिन्होंने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया था। स्पेस शटल एसटीएस 107, जिसने आज ही के दिन 28वीं उड़ान भरी थी, इसने उड़ान भरी थी जिसमें कि मौजूद थी कल्पना चावला, एक पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जिनके साथ उस वक्त 7 लोग और मौजूद थे। स्पेस मिशन नाकामयाब ज़रूर हो गया, लेकिन कल्पना चावला ने उस वक्त एक इतिहास रचा था, क्योंकि वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है उस समाज सुधारक से जिसने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, उस वक्त के दौर में जब विधवाओं के अधिकार सीमित थे। नज़र डालते हैं उनके इतिहास पर। भारत ने आज़ादी की कई लड़ाई लड़ी और इन सभी लड़ाइयों में उन महापुरुषों की एक अहम भूमिका देखने को मिली जिन्होंने अंतिम सांस तक भारत का साथ दिया और देश के हित में कई तरह के काम किए। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने ना सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया बल्कि कई ऐसी कुरीतियों और सामाजिक प्रथा का विरोध भी किया जो उस वक्त के दौर में सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली थी। उन्होंने रमाबाई जैसी इतिहास की महान शख्सियत को शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा को भी जोर दिया। विधवाओं के साथ उस दौर में जो अत्याचार होते थे, जैसे कि बालों का काटकर गंजा करना, उन्होंने इस तमाम कुरीति का उस वक्त विरोध किया। विधवाओं के अधिकार को लेकर उन्होंने काफी आंदोलन किए, जिसका परिणाम था साल 1861 में विधवा विवाह संगठन, जिसकी स्थापना में उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली। आज उनकी पुण्यतिथि है। साल 1901 का वो दौर जब आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। महादेव गोविंद रानाडे, वो शख्सियत जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था, आज उनकी पुण्यतिथि है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से लेकर
उस वक्त की कुरीतियों का समाज में फैले अंधविश्वास का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को भी उस वक्त बढ़ावा दिया। इसका जीता जागता सबूत था वो संगठन जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, और इसकी स्थापना का मकसद था उन विधवाओं को संरक्षण देना, उन विधवाओं के अधिकारों से उनको परिचित करवाना जो अपने अधिकारों के लिए कभी लड़ नहीं पाई, कभी आवाज नहीं उठा पाई। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।